वेलकम टू माई चैनल, आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं क्लास 11 इंग्लिश की पोम अ फोटोग्राफ के सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, अगर आपने फोटोग्राफ पोम नहीं पढ़ी है या क्लास 11 इंग्लिश का कोई और चैप्टर आपको पढ़ना आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मैंने क्लास 11 का पूरा सिलेबस अपने चैनल पर पढ़ा रखा है, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रखा है, और वो भी बहुत शॉर्ट वीडियोज़ में और डिटेल्ड। शॉर्ट मतलब ये नहीं कि बीच में कुछ जो है छूट चुका है, नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको सिंपल फ्रेंडली लैंग्वेज में हर एक चैप्टर समझा दिया है कि आपको जो है पूरा चैप्टर समझ में आ जाए, पूरा स्टोरी समझ में आ जाए, जिससे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम्हें आंसर आता हो, क्योंकि तुम्हें चैप्टर की पूरी नॉलेज है। बात की जाए क्वेश्चन आंसर्स की, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने का मीनिंग क्या है कि यहां मैं आपको बताने वाली हूं कैसे आप जो है क्वेश्चन आंसर्स को फॉर्म करने वाले हो। अलग अलग क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो जो है आपको नया नहीं लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि मिलते जुलते क्वेश्चन आप इन वीडियो से सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एंड अगर अभी तक आपने फोटोग्राफ पोम नहीं पढ़ी है तो पहले पोम पढ़ो, क्योंकि मैं पोम भी बहुत डिटेल में पढ़ा देती हूँ, साथ में पोएटिक डिवाइसेस भी कवर करवा देती हूँ। और अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस पोम, ठीक है? तो चलो, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोम, व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज। तो कार्डबोर्ड क्या है? तो कार्डबोर्ड रेफर्स टू द फोटोग्राफ ओनली। कार्डबोर्ड फोटोग्राफ को ही बोला गया है, बट फोटोग्राफ को कार्डबोर्ड क्यों बोला गया है, डायरेक्टली फोटोग्राफ क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि गाइस देखो, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि लोग क्या करते थे, फोटोग्राफ को एक कार्डबोर्ड के पीस पे चिपका देते थे, ठीक है, जिससे कि वो खराब ना हो पहली बात तो, और सेकेंडली जो है वो उसको वॉल पे हैंग कर सके, जैसे फ्रेम लगाते ना आजकल हम, वैसे ही कई लोग फोटोग्राफ को ये पीछे जो है कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका देते थे, जिससे जो है वो उसे वॉल पे लगा दे और लोग उसे देख सके। तो कार्डबोर्ड रेफर्स टू द फोटोग्राफ ओनली, इन द पास्ट फोटोग्राफ्स यूज टू बी फिक्स्ड ऑन अ कार्डबोर्ड एंड हंग फ्रॉम द वॉल फॉर एवरीवन टू सी इट, ठीक है? तो जैसे आजकल के समय में हम फोटो फ्रेम्स यूज करते ना, वैसे कार्डबोर्ड से अपने आप फोटो फ्रेम बना लिए जाते थे। व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरा ने क्या कैप्चर करा था? तो कैमरा में स्वीट मेमोरीज कैप्चर थी, जो किसकी थी, मदर की थी, जिन्होंने जो पोएटिस है उनकी मदर की थी, और साथी के साथ उनकी दो बहनों की थी। किसकी? उनकी मदर की दो बहनों की, तो समझो आप उनकी मासी थी साथ में, ठीक है? तो द कैमरा हैज कैप्चर्ड द स्वीट मेमोरीज व्हेन मदर विद हर कजन बेटी एंड डॉली वेंट टू द सी बीच टू स्पेंड देयर हॉलीडेज। अब ये बात ध्यान में रखना, मदर का नाम हमें डिस्क्लोज नहीं हुआ है, बट जो मदर की दो बहनें थी, यानी कि जो हमारी पोएटिस है उनकी मासी हो गई, उनका नाम हमें पता चल गया, कौन? बेटी और डॉली, ठीक है? मदर का नाम हमें नहीं पता चला है, ठीक है? व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या बहुत समय से नहीं बदला था? तो वो जो फोटो थी उसमें जो समुद्र था, और आज के समय के समुद्र में जो है कुछ नहीं बदला, और ये क्या सजेस्ट करता है हमारे को कि देखो, वी मॉर्टल, वी आर मॉर्टल क्रिएचर्स, एंड ये जो कुछ भी चीज़ें हैं हमारे अर्थ पे, नेचर की जितनी भी चीज़ें हैं, दे आर इमॉर्टल, ठीक है? और इनकी ब्यूटी बरकरार रहती है, सिर्फ मॉर्टल और इमॉर्टल की बात नहीं है, उनकी ब्यूटी भी बरकरार रहती है। जैसे ही वो सी पहले थी, आज भी वैसी ही दिखती है, आज भी उतनी ही ब्यूटीफुल है वो, और वो क्या है, वो इमॉर्टल है, ठीक है? तो यही चीज़ आपको बतानी है। और क्या सजेस्ट करता है कि ह्यूमन लाइफ शॉर्ट लिव्ड होती है, वहीं जो है नेचर की जितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं ये इमॉर्टल है। तो यही सब हमें जो है बताना है। तो द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, सी बिल्कुल भी नहीं बदली है ओवर द ईयर्स में। द पोएट्स मदर इज नो मोर, दिस सजेस्ट दैट ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब शॉर्ट लिव्ड, ह्यूमन लाइफ तो ट्रांजिएंट शॉर्ट लिव्ड होती है एज कम्पेयर टू द परमानेंट नेचर ऑफ, परमानेंस ऑफ नेचर, नेचर तो परमानेंट रहता है बट ह्यूमन लाइफ जो है वो ट्रांजिएंट है, यानी कि शॉर्ट लिव्ड है। द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डज दिस लाफ इंडिकेट, ठीक है? तो ये लाफ क्या इंडिकेट करता है? तो द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ द फन एंड जॉय शी हैड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द बीच हॉलीडे। तो जब भी पोएट की जो मदर थी वो स्नैपशॉट को, स्नैपशॉट क्या है, स्नैपचैट जैसे आजकल ये समय में हम वो स्नैप को कहते हैं ना, तो स्नैप फोटो को बोला जाता है, ठीक है? तो स्नैपशॉट क्या है, वो फोटोग्राफ ही है बेसिकली। तो जो पोएट की मदर थी वो स्नैपशॉट को देख के हंसती थी, यानी कि वो जब उस फोटोग्राफ को देखती थी तो वो दिन याद करती थी जब वो बीच पे गई थी, और वो उन्हें काफ़ी जॉयफुल डे होगा तो इसलिए उनको वो देख के वो स्माइल करती थी। एंड शी हैड फॉन्ड मेमरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, उनको काफ़ी अच्छी मेमरीज होगी, इट ब्रॉट जॉय टू हर व्हेन शी लुक्ड एट द स्नैपशॉट। तो उनकी मदर को काफ़ी जॉय, खुशी मिलती थी उन फोटोज़ को देख के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राय इन द एबर्ड ब्लीज ऑफ लॉस, ठीक है? तो मदर वुड लुक एट द फोटोग्राफ एंड लाफ एट द फ्लीटिंग मोमेंट्स दैट हैड लॉन्ग पास। तो उनकी मदर जो थी, इसका मतलब क्या है कि जो मदर थी पोएट की, वो तो उस फोटोग्राफ को देख के अपने पास्ट को याद करती थी। शी बिकम्स हैप्पी एज वेल एज सैड टू रिमेंबर हर गुड ओल्ड चाइल्डहुड डेज दैट कुड नॉट कम बैक। तो वो पहले उस जब फोटो को देखती थी, उनकी मदर तो खुश भी होती थी अपना बचपन याद करके, और कहीं ना कहीं परेशान भी होती थी, यानी कि जैसे थोड़ा होता है ना कि अरे बचपन के दिन चले गए, वैसा भी फील करती थी। वहीं पर अगर हम पोएट की बात करें
तो वो जो है उस फोटोग्राफ को देखकर अपनी मदर को याद करती थी और उन मेमोरीज को याद करती थी, ठीक है, और वो जो है वो पेन को भी जो है फील करती थी, क्योंकि अब वो लाफ्टर दोबारा नहीं सुन पाई थी, ठीक है। तो यही चीज़ आपको डिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सर्कमस्टेंस रेफर टू, कौन से सर्कमस्टेंस की बात हो रही है? तो दिस सर्कमस्टेंस रेफर्स टू द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर, इट इज़ एज रियल टू द पोएट एज वॉज द मोमेंट्स ऑफ बींग क्लिक्ड ऑन द बीच टू हर मदर, बोथ हैड बिकम मेमोरीज ऑफ मदर्स पास एंड द पास पोएट पास, ठीक है। तो सर्कमस्टेंस आप समझ चुके होंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस साइलेंसेस एक्सप्लेन, ठीक है। तो द पोएट्स मदर इज डेड एंड दिस सिचुएशन हैज मेड एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग साइलेंट। व्हेन द पोएट लुक्स एट हर मदर्स फोटोग्राफ, शी आल्सो लॉस्ट इन हर मदर्स मेमोरीज, द फोटोग्राफ इज साइलेंट एंड द लेस ऑफ द पोएट्स मदर मेक्स द पोएट साइलेंट। तो जैसे कि जब वो फोटोग्राफ को देखती थी तो वो काफी, आप कह सकते हो कि वो साइलेंट हो जाती थी, बिकॉज शी फेल्ट वेरी इमोशनल। द थ्री स्टैंडर्ड्स डिपिक्ट द थ्री डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर द फेजेस? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो द फर्स्ट स्टैंजा है डिपिक्ट्स द चाइल्डहुड एज ऑफ द पोएट्स मदर व्हेन शी वाज प्रीटी यंग गर्ल, ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा में चाइल्डहुड फेज है, जब उनकी मदर छोटी बच्ची हैं। द सेकेंड स्टैंजा डिपिक्ट्स द मेमोरी ऑफ मिडिल एज मदर हु लाफ एट हर ओन फोटोग्राफ, तो सेकेंड स्टैंजा में वो एक मिडिल एज है जो अपनी ही बचपन की फोटो देख के हंस रही हैं। एंड थर्ड स्टैंजा में उनकी लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ प्रेजेंट हुआ है, जहाँ पे जो है शी इज़ नो मोर एंड हर डॉटर इज मिसिंग हर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, तो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? तो इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट और सेनेक्डोट जो है जो यूज़ हुआ है। अब ये पोएटिक डिवाइस क्या है, इसके लिए मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सभी पोएटिक डिवाइसेस को एक्सप्लेन करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हो कि पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं, फिर आपको जो है हर एक पोएम के पोएटिक डिवाइस अपने आप समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली इवेल्युएट द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ एज सीन इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, तो कैसे उनका एटीट्यूड है लाइफ की तरफ? तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एक है, तो देखते हैं। द पीरियड ऑफ नियरली 12 इयर्स सिंस द पोएट्स मदर पास्ड अवे हैज बीन पेनफुल फॉर द पोएट, उनके लिए काफ़ी पेनफुल था। शी कैन नॉट हियर हर लाफ्टर एनी मोर, देयर इज ओनली साइलेंस नाउ। द पीरियड आफ्टर हर मदर डेथ द लाइफ ऑफ द पोएट हैड बीन डल एंड इवन less. The void created by her death is slowly becoming less painful. The time that passes silently but steadily weakens old memories of loss and grief. तो चलो इसको आप answer कर सकते हो। हम चलते हैं next question पे। तो ये है एक extract based question. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. तो ये पूरा आपको para given है, sorry stanza given है। इस पे question देखते हैं। What does the cardboard show the poet? पोएट को क्या दिखा रहा था वो कार्डबोर्ड? द कार्डबोर्ड शोड द पोएट द सीन ऑन द सी बीच विद द थ्री गर्ल्स, वो सीन उन्हें दिखा रहा था। हु वॉज द बिग गर्ल? बिग गर्ल जो थी वो पोएट की मदर थी, बराबर में कौन थी? उनकी दो कजन्स, ठीक है। हाउ ओल्ड वॉज द पोएट्स मदर व्हेन द पोएट फोटोग्राफ वॉज क्लिक, कितने साल की थी वो? 12 साल की थी। हु क्लिक द फोटोग्राफ? अंकल ने खींची थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। ओके, हु क्लिक द फोटोग्राफ? द अंकल क्लिक द फोटोग्राफ। तो ये तो अभी सिंपल से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। वन डे आई विल क्रिएट नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे। तो विद दिस हमने इस पोम के कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम नेक्स्ट पोम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्लास 11th इंग्लिश के बाकी चैप्टर्स के भी। तो अगर आपको जो है क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर इज ऑल्सो देयर ऑन माई चैनल, तो उसके लिए जाके आप मेरा चैनल चेक कर लो। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।